लॉकडाउन और कोरोना वायरस का संक्रमण सभी के लिए एक संकट काल बनकर सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ एक मामला प्रतापगढ़ जिले की फैमिली का है, जहाँ प्रतापगढ़ के निवासी सूर्यवड़ी वर्मा अपनी पत्नी रेणु वर्मा के साथ परिवार के जीवन यापन के लिए मुंबई में एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। लॉकडाउन के चलते सभी सुविधा बंद हो गई। वहीं दूसरी ओर व्यापारी द्वारा भी इन्हें पैसा नहीं दिए जाने और अब पैसे ना होने के अभाव में और घर जाने की चाह में सूर्यमणि अपनी गर्भवती पत्नी और 50 साथियों के साथ मुंबई से प्रतापगढ़ पैदल ही चलने को मजबूर हो गए। सूर्यवड़ी वर्मा अपनी गर्भवती पत्नी को आत्मविश्वास दिलाते हुए लगातार पैदल चलते ही जा रहे थे, लेकिन लगातार पैदल 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के कारण रेणु अब हिम्मत हार चुकी थी और गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता उसे सताने लगी थी। अपने पथ मार्ग में लखनादौन पहुंचते ही रेणु को पेट में असहनीय दर्द चालू हुआ, जिसके बाद 50 साथियों के द्वारा पूछते पूछते उसे सिविल अस्पताल लखनादौन पहुंचाया गया, जहां रेणु को भर्ती किया गया। इस पूरे पैदल यात्रा में रेणु इतनी थक चुकी थी कि वह शरीर से भी असमर्थ होने लगी, लेकिन नर्सों की मेहनत के चलते उसने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। अब सूर्यमणि और उसकी पत्नी रेणु लखनादौन से किसी उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में मदद कर सके। आखिर थका हुआ शरीर और पैसों का अभाव और अब साथ में एक नवजात बच्चे को लेकर आगे का सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है। आज हर प्रदेश में मजदूर इसी तरह अपने गांव पहुंचने के लिए लगातार पैदल लंबा सफ़र तय कर रहे हैं और प्रशासन से उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की अपील भी की जाती रही है, लेकिन नतीजा आपके सामने है। सिवनी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट। मुंबई से लॉकडाउन लगा, मेरे पति के काम बंद हो गया, मैं पैदल चल के आ रही थी और मेरी डिलीवरी थी। डिलीवरी होने के कारण यहाँ पर लखनऊ में पहुँचे, दर्द होने लगा, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं सूर्यमणि वर्मा बोल रहा हूँ सर, मुंबई से हम लोग पैदल आ रहे हैं। लॉकडाउन लगने के कारण सेठ मेरा पैसा नहीं दिया, तो हम लोग 50 जन थे साथ में आ रहे थे, तो मेरी औरत को डिलीवरी था, उसको तकलीफ हो गया, तो मैं लखनऊ हॉस्पिटल में ला के उसको भर्ती किया, उधर उसको बच्चा हुआ। मेरा एक प्रशासन से गुजारिश है कि हमको घर भेजा जाए और हमको थोड़ा मदद किया जाए, हमको गांव जाने का है, मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा अभी इसके आगे क्या बोलूं सर, हमको गांव भेज दो, बहुत मजबूरी है, पैसा हमारे पास 3 रुपये नहीं है, खाने का भी नहीं है, तो कैसा हम लोग कैसा जाएगा, कैसा करेगा। सरकार से मेरा यही दरख्वास्त है, हमको गांव छोड़ दिया जाए।